मेरा नाम है सुहेल फिदाई और हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो हेलमेट पर है कि हेलमेट पहनना वाइल राइडिंग अ बाइक बहुत ज़रूरी है। और एक जो एक शॉर्ट फिल्म है ये रोड अवेयरनेस पे हमने एक फिल्म बनाई है कि हम देखते हैं कि यंगस्टर्स जो ज़्यादातर हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि उनको लगता है कि हेलमेट पहनने से उनकी जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब हो जाती है, बहुत से दूसरे कारण होते हैं। तो हमने ये बताया है कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है जब आप एक मोटर बाइक या टू व्हीलर राइड करते हो। और ऐसी एक ये कहानी है कि एक यंग लड़का है जो एकदम से तैयार होकर घर से निकलता है तो उनकी मदर उनको याद दिलाती है। और मैं मानता हूँ कि हर एक घर का सदस्य एक ज़िम्मेदारी से जब भी उनका चाहे भाई हो बेटा हो या कोई भी हो जो टू व्हीलर चलाते हो उनको जब वो घर से निकलते तो हमको उनको ज़रूरी याद दिलाना चाहिए कि वो हेलमेट ले लें और हेलमेट पहन ले। इस फिल्म में हमने ऐसे बताया था कि वो लड़का हेलमेट ले तो लेता है मगर हेलमेट पहनता नहीं है, थोड़ा स्टाइलिश टाइप है, यंग है, ऐसे लगता है कि मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएंगे हेलमेट पहनने से। फिर वो आगे बढ़ता है और वो एक एक्सीडेंट देखता है जहाँ पर एक लड़का है यंग लड़का जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हेलमेट नहीं पहना है और उसके सर पे चोट आती है। तो वो रियलाइज़ करता है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है पहनना। और इसी फिल्म में ऐसे दिखाया गया है कि जब वो निकल रहा है तो उनके पीछे एक हमारे साथ मौत को भी लेकर यमराज हम अगर हेलमेट नहीं पहनते तो हमारे साथ मौत को लेकर घूम रहे ऐसा हो सकता है। तो इस फिल्म में यमराज है जो देखते हैं कि भाई मुझे किसकी जान लेनी है। तो वो ये हीरो को देखते कि हेलमेट नहीं पहना तो वो चाहते कि मैं अभी हेलमेट नहीं पहना तो इनकी जान ले लूं। लेकिन जब ये एक्सीडेंट देखता है और उसकी माँ की से आवाज़ सुनाई देती है, ये मैसेज देती है कि हेलमेट पहनना, हेलमेट इज़ योर लाइफ गार्ड, यू शुड वेयर हेलमेट। That's what the thing is actually. पता होगा कि सबसे शॉर्ट मूवी है, लेकिन शॉर्ट की शॉर्ट है, सबसे कम समय के साथ पहली मूवी है। शॉर्ट मूवी इसीलिए कि हमारा एक मकसद, हमारा मकसद यही था कि जो मेन मैसेज इन अ शॉर्ट वे, क्योंकि बहुत लंबी फिल्म भी लोगों को शायद इंटरेस्ट ना करे, हमारा मकसद है कि हम एक मैसेज लोगों को कन्वे करें इन अ बिग वे। तो जितना शॉर्ट रखा जाए ऑन टू द पॉइंट वही हमारा एक मकसद था, क्योंकि लंबी अगर लंबे वे में हम मैसेज देना चाहें तो शायद वो फिल्म लोग देखे ना देखे। हमने थ्री मिनट्स की फिल्म है। और इस फिल्म में हमें कुणाल खेमू जी, दीपक डोबरियाल और रजा मुराद जी ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने उनका मैसेज दिया है कि यंगस्टर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, दिस इज़ योर लाइफ गार्ड। आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं और एक बड़े बड़े ध्यान में कैसे आया कि पत्रकार होकर ये सब चीज़ें करनी चाहिए, एक बड़ा सवाल है। डेफिनेटली जब हम बॉलीवुड से इतने सालों से जुड़े हैं, डेफिनेटली हम स्टार्स को मिलते हैं, फिल्में देखते हैं, फिल्म की शूटिंग देखी है, फिल्म कैसे बनती है, तो एक थोड़ी सी कोई इच्छा तो डेफिनेटली थी ही कि कभी हम भी छोटे वे में कहीं पर कुछ फिल्म बना सके या कुछ भी कर सके एक्चुअली इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। अनिल मुरारका जी हैं एम्पल मिशन से, उनके इनिशिएटिव से वो हमेशा बहुत एक सोशल काम में हमेशा आगे रहते हैं। उनको जब ये स्टोरी सुनाई कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर ज़्यादातर अभी आजकल इश्यूज़ बहुत होते हैं, हमने अभी कुछ दो दिन पहले पेपर में भी हमने रीड किया था कि ज़्यादातर लोग जो यंगस्टर्स हैं वो हेलमेट नहीं पहनने के कारण उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि सर पर जो चोट लगती है उसके कारण काफ़ी बच्चों की मौत हो गई है। तो ये एक हमारे तरफ से एक अवेयरनेस था। और अगर हमारी ये फिल्म देखकर कुछ परसेंटेज भी अगर समझ जाए कि हेलमेट कितना एसेंशियल है, ज़रूरी है पहनना, तो हमारे लिए जो फिल्म बनाना है वो हमारे लिए कामयाब हो जाए। पत्रकार काफ़ी चैलेंज है, गरीब पत्रकार होता है, ये सब चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल था आपके लिए? कुछ नहीं, मीडिया तो है ही, मीडिया इज़ माई मेन स्ट्रीम, बट ये जैसे एक शौकिया तौर पर कर रहे थे और एक सोशल मैसेज पे, हमारी इससे पहले भी एक फिल्म बनाई थी हमने क्रिसमस पर, जहाँ पर हम कहना चाह रहे थे सेंटा क्लॉज के थ्रू कि लोगों को प्लीज़ हेल्प आउट, बी अ सेंटा क्लॉज टू समवन, क्योंकि बच्चों में या ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सेंटा क्लॉज कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट देते हैं क्रिसमस पर। तो हमने क्रिसमस पर भी एक फिल्म बनाई थी जहाँ पर हम सेंटा क्लॉज के द्वारा बताना चाह रहे थे कि आप सेंटा क्लॉज किसी के लिए बनिए,
उनको कुछ दीजिए, मदद कीजिए, तो बी अ सांता क्लॉज दिस समर। और ये अभी एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस पर है, अभी आने वाली एक फिल्म वापस एक सोशल इशू पर हम बना चुके हैं, शायद जल्द ही नेक्स्ट वीक में वो रिलीज़ होने वाली है जी।